शासन के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार को महानगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। महानगर की दुकानें बंद रहीं और वहीं रात्रि में भी पुलिस वाहन चेकिंग कर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराते नजर आई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए शासन ने शनिवार रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया है। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक कर्फ्यू में खाद्य सामग्री, फल, दूध की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर को खोलने की छूट दी गई है तथा अन्य सभी दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि जो लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कोविड को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अब तो बिल्कुल ढलान पर ही है, बहुत कम मात्रा में है, फिर भी जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए शासन ने सैटरडे और संडे को फुल लॉकडाउन रखा है। केवल दवाओं के लिए, खाद्य सामग्रियों के लिए, सब्जी फल के दूध के लिए ये दुकानें खुल सकती हैं, बाकी सब बंद रहेंगी, किसी प्रकार की और छूट नहीं मिलनी है। जो लोग अनावश्यक निकल रहे हैं, अनावश्यक निकलेंगे उनका धारा 188 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।